छत्तीसगढ़ के शिक्षा कर्मियों के लिए खुशखबरी की बात है। सभी अस्थायी शिक्षा कर्मियों को सरकार ने अपने वादे के अनुसार स्थायी करने का आदेश कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया है। कुछ समय पहले ही शर्मिंदगी व्यक्त करते हुए उनकी मांग जल्द पूरा करने को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट भी किया था। विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र तैयार किया था। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने यह घोषणा पत्र बनाया था और इस घोषणा पत्र में प्रदेश के अस्थायी शिक्षा कर्मियों से शिक्षा विभाग में संविलियन कर स्थायी शिक्षक बनाने का वादा किया था। आज छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों को स्थायी करने का आदेश पारित कर दिया है। पिछले दिनों ही टीएस सिंहदेव ने शिक्षा कर्मियों का अब तक संविलियन न करने के कारण सरकार के प्रति बेहद नाराजगी जताई थी। शिक्षा कर्मियों से शर्मिंदगी व्यक्त करते हुए उनकी मांग जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर ट्वीट किया गया था। आज इस आदेश के होने पर सिंहदेव ने सरकार का आभार माना है। आप सभी को प्रणाम, जोहार। आज कैबिनेट की बैठक में 34 बिंदु थे और अहम निर्णय कई हुए। उनमें एक निर्णय जो मुझे जिससे बहुत संतोष मिला वो शिक्षा कर्मियों के संविलियन के संदर्भ में। अभी तक शिक्षा कर्मी के रूप में आप या तो पंचायत विभाग में या नगरी प्रशासन में जुड़े हुए थे, अब आप शिक्षक हो जाएंगे, शिक्षा विभाग के नियमित शिक्षक हो जाएंगे और सभी बेटियों को, सभी बेटों को जो शिक्षा कर्मी के रूप में काम कर रहे थे और मन जिनका बहुत छोटा था, सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं किया। घोषणा पत्र में आपकी बात को हम लोगों ने रखा था और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को, जिसको राहुल जी ने अनुमोदित किया एक रूप से अध्यक्ष के रूप में, उसका एक ये अहम मुद्दा था। आप लोगों को उम्मीदें थी, आप लोगों के मन में था कि हमारा होगा और राहुल जी की वो बात घोषणा पत्र के माध्यम से जो कांग्रेस ने आपके समक्ष चुनाव के समय रखी थी, आज कांग्रेस की सरकार ने उसे पूरा किया। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहिए, अच्छी सेवाएं दीजिएगा, अगली पीढ़ी को तैयार करिएगा। मुझे बहुत संतोष है कि आप लोगों के लिए पहल करने का मुझे मौका मिला, आप लोगों ने वो मौका दिया और आज ये आपकी मांग, जायज मांग, पूरी हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।